नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल है। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर बड़े बड़े सितारे भी अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने जब ट्वीट करते हुए अपना दुख जाहिर किया, जो कि लोगों को रास नहीं आया। आलिया भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं सदमे में हूँ, मैं जितना इस बारे में सोचूं लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पूरी तरह टूटी हुई हूँ। आप हमें जल्दी छोड़कर चले गए, हम लोग आपको मिस करेंगे, मेरी संवेदनाएं आपके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। वहीं करण जौहर ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, मैं आपके साथ संपर्क में न रहने के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाते, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। हम बहुत ही शोरगुल और ऊर्जा से भरे लेकिन एकाकीपन से भरे समय में रहते हैं। हमारे में से कुछ लोग इस सन्नाटे के आसानी से शिकार बन जाते हैं। हमें ना सिर्फ रिश्ते बनाने की जरूरत है बल्कि इन्हें बनाए रखने की भी जरूरत है। आपकी प्यारी मुस्कान और आपका गले लगाना हमेशा याद आएगा। जब करण और आलिया ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये खबर उनके लिए दिल तोड़ने वाली है, तो लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुना दी। किसी ने उन्हें हाइपोक्राइट कहा तो किसी ने उन्हें नेपोटिज्म का प्रमोटर। वहीं एक ने उन्हें तो ये तक याद दिला दिया कि किस तरह उन्होंने आलिया के साथ मिलकर सुशांत का मजाक उड़ाया था। लोग उन्हें कहने लगे कि अचानक उन्हें सुशांत की इतनी परवाह क्यों होने लगी। उनका कहना है कि अब तक इंडस्ट्री से जुड़े हर बड़े नाम ने उन्हें सिर्फ आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर करण और आलिया के एक ट्वीट पर लोग उनसे इतना नाराज क्यों हैं और क्यों उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल कॉफी विद करण शो के एक एपिसोड में जब आलिया भट्ट मेहमान बनकर आई थी, तब करण के एक सवाल के जवाब में आलिया ने सुशांत सिंह राजपूत को पहचानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कौन सुशांत सिंह राजपूत। उनके इस रिएक्शन का हवाला देकर सुशांत की मौत से दुखी लोग आलिया और करण को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कुछ लीडिंग प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत का बॉयकॉट तक कर दिया था। कहा जा रहा है कि सुशांत बॉलीवुड के बेरुखी से परेशान थे। खैर, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन करण और आलिया ने जिस तरह सुशांत सिंह का मजाक बनाया है उस पर आप अपनी राय क्या रखना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं।